हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा वोकैब का सेशन। इस वोकैब के सेशन में मैं आपको कवर करवाऊंगा कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मेरे हिसाब से डीएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाना, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बात करना, बड़ा चढ़ाना किसी बात को, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, किसी बात को आप क्या कर रहे हो, ओवर स्टेट कर रहे हो, टू ओवर स्टेट समथिंग, ठीक है, बड़ा चढ़ाना किसी बात को, एग्जैगरेट कर रहे हो, ठीक है, एग्जैगरेट करना किसी चीज को। तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है, एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी छोटी सी बात को आप बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, ठीक है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए एक इडियम एक और होता है, वो भी इसके मतलब सिनोनियम जाएगा इसका, कि लंबा चौड़ा करना किसी बात को, छोटी सी बात को बड़ा बढ़ाना, लंबा चौड़ा करके हाँकना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं टॉल टॉक। तो दो इडियम हो गए आपके, एग्जैगरेट करना किसी बात को, एग्जैगरेट करके बताना, बड़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो और टॉल टॉक, दोनों आपका सेम मीनिंग है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं लास्ट में भी रिवीजन भी कराऊंगा आपको। चलो क्या कह रहा था, ये आपका आंसर हो गया एग्जैगरेट। कह रहा था टार्निश। टार्निश मतलब क्या होता है, देखो यार, टार्निश मतलब होता है TARNISH। टार्निश मतलब होता है किसी के रेप्यूटेशन को स्पॉइल करना, टू स्पॉइल द रेप्यूटेशन ऑफ समवन, टू स्पॉइल द रेप्यूटेशन, RepuTation, टू स्पॉइल द रेप्यूटेशन ऑफ समवन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, मेक पीस, ना भाई ये सब कुछ नहीं है, ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्या है, टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, ठीक है। आप हो, ये आपकी समझ लो पॉकेट है, इस पॉकेट में एक छेद है। अब इसमें आपने बहुत सारे पैसे रख रखे थे, ठीक है, और यहाँ पे आपका छेद है, तो क्या होगा, पैसे गिर जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि आपकी पॉकेट में छेद है, पैसे गिर जाएंगे। मैं एक हिंट दे रहा हूं बस, इसका मतलब क्या होता है, वैसे टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट का मतलब होता है बहुत अधिक पैसा खर्च करना, ठीक है, टू स्पेंड मनी। मैं आपको बताता हूं पेपर में कैसे ऑप्शन आएंगे, बस वही ऑप्शन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, टू स्पेंड मनी मोर क्विकली, ठीक है, टू स्पेंड मनी मोर क्विकली, ये भी कह सकता है वो, टू वेस्ट मनी कि बहुत अधिक पैसा खर्च करता है, टू वेस्ट मनी, ठीक है ना। एक टर्म होती है इसकी क्या, स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है क्या, स्क्वेंडर का एक मतलब होता है टू वेस्ट मनी। अब भाई जो बंदा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता हो, बहुत जल्दी पैसा खर्च करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो बंदा हो जाएगा खर्चीला, ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या करता हो, फिजूल खर्ची करता हो, ये भी कह सकते हो। देखो मैं दोनों को मिलाकर बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको जिससे हिंट भी रहे, टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू वेस्ट मनी, टू स्पेंड मनी मोर क्विकली, बहुत जल्दी पैसा खर्च करना, पैसे को वेस्ट करना, स्क्वेंडर करना है, SQUANDER। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में से यही होता है, स्क्वेंडर का मतलब ही होता है टू वेस्ट मनी। हाँ, अगर मैं किसी बंदे की बात करूं तो मैं जो बंदा बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, तो मैं उसे बोल सकता हूं कि वो बंदा एक्स्ट्रावेगेंट है, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट है, बहुत ज्यादा क्या होगा, पैसा खर्च करना, एक्स्ट्रा वैगेंट। तो क्या हो गया भाई, मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बता दी। हाँ, एक इडियम और होता है, तो वो भी इडियम देख लो, एक मिनट रुको, देखो क्या क्या हो गया, टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, टू स्पेंड मनी क्विकली, पहला आंसर आपका, ठीक है। मैं बोलूंगा, अगर मैं इंसान के रूप में बा रहा हूं, इसका एक एडजेक्टिव बताओ कि क्या वर्ड बनेगा वो कैप का, तो आप बोल सकते हो एक्स्ट्रावेगेंट, जो लोग होते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ही इज एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब क्या है, ही इज एन एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या हो गया, जो क्या करता हो भाई, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता हो, बहुत ज्यादा पैसे को क्या करता हो, स्क्वेंडर करता हो, टू स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट मनी, ठीक है। आगे बस समझ में, ये सारी चीजें टर्म समझ में आ गई आपको। अब आप क्या कह सकते हो, आप इसको ये भी कह सकते हो क्या, एक और इडियम होता है जिसे मैं आपको इसके साथ ही करा देता हूं, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, बट बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, जिसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है टू वेस्ट मनी,
पैसा फिजूल खर्ची करना, पैसा बर्बाद करना, पैसा ज्यादा खर्च करना, वेस्ट करना पैसे को, तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। आप कैसे याद रखोगे एक बार बताओ मेरे भाई, ये कैंडल है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी बट देख लेना, ये कैंडल है, आपने इस कैंडल को यहां से भी जला दो, यहां से भी जला दो, यूज हो पाएगी ये ज्यादा? नहीं हो पाएगी। जितना इसका यूसेज, अगर मैं एक ही बार जलाता तो बहुत देर तक चलती, आप इधर से भी जला दिए, इधर से भी जला दिए, तो क्या हो गया, वेस्ट हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो वेस्ट करना, वेस्ट से ध्यान रखना, ठीक है। सब रिवीजन भी कराऊंगा मैं, क्या हो गया, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ठीक है। ड्रॉ द लॉन्ग मतलब बात को क्या करना, बड़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैगरेट करना, ठीक है। आगे बात समझ, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉल टॉक। ये क्या हमारा, टू बर्न अ होल इन वन्स पॉकेट, किसी की पॉकेट में क्या है, बहुत सारे पैसे, उसमें छेद है तो पैसा गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा पैसा। टू वेस्ट मनी, टू स्पेंड मनी मोर क्विकली, आंसर हो गया आपका, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, मैंने एक साथ ही करा दिया आपको, ठीक है। बर्न कैंडल बोथ एंड्स, भाई एक कैंडल है वो इधर से ही बर्न, इधर से तो वेस्ट हो रहा है, टू वेस्ट मनी आपको तो ऑप्शन से मतलब है, ठीक है। टू स्पेंड मोर मनी मोर क्विकली, टू स्क्वैंडर टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट तो आता रहता है पेपर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा टू फॉर्म एट वंस माउथ, ठीक है। टू फॉर्म एट वंस माउथ, ब्रश करना, अरे नहीं भाई एंग्री हो जाना, नहीं नहीं देखो, मैं किसी शादी में गया, मुझे तो रसगुल्ले पसंद है, तो किसी शादी में मैं गया, उस शादी में आप गए तो आपको मिठाई दिखी, रसगुल्ले दिखे, तो आपके मुंह में क्या आ गया, आपके मुंह में पानी आ गया, ठीक है। आपके मुंह में क्या हो गया, लार टपकना, बेसिकली इट इज हिंदी में क्या बोलेंगे, लार टपकने लगी, ठीक है। तो शादी में रसगुल्ले देख के, या फिर शादी में स्वीट से कुछ भी देखकर आप ऐसे याद कर सकते हो, तो क्या हो गया, आपकी लार टपकने लगी, मतलब आंसर समझ जाओ, एंग्री हो गया, नहीं ये नहीं, क्या हो गया, सलाइवेट ऑन सीइंग फूड, ठीक है, सलाइवा आने लगा, टू सलाइवेट ऑन सीइंग फूड। आगे बस हमने टू फॉर्म एट वंस माउथ, एग्जैक्टली पकड़ लोगे, मैं ऐसे तरीके से कराऊंगा, अगर आप सपोर्ट देते रहो मेरे को कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। टू कॉल ऑन द कारपेट, एग्जाम में आ चुका है ये, कम बार आया है बट सही है ये, देखो क्या क्या एग्जाम में आ चुके हैं बता देता हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, ये काफी बार आता है, ठीक है ना। और अब देखते हैं आगे, टू कॉल ऑन द कारपेट, भाई क्या हुआ, घर में छोटा बच्चा था, उसने कोई शीशा तोड़ दिया, ठीक है, जैसे उसने शीशा तोड़ दिया, बॉल मार के शीशा तोड़ दिया, तो उसका अब वो बोल रहा है कि, एक बंदा उसे बोलता है, योर फादर हैज कॉल्ड यू ऑन द कारपेट, आपके पापा ने आपको कारपेट पर बुलाया, मतलब आ जाओ भाई, अब क्या हो गया, आपके पापा ने क्या करेंगे, पापा आपको डांट मारेंगे, स्कोल्ड करेंगे, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, थोड़ा स्कोल्ड करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। टू कॉल ऑन द कारपेट का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, डांट लगाना, फटकार लगाना। टू समन, ठीक है, समन का मतलब होता है बुलावा, जैसे समन देते हैं ना, कोर्ट देती है, समन आया भाई आपके घर में, कोर्ट ने बुलाया आपको, बुलावा आ गया आपका। टू समन, टू कॉल ऑन, कॉल ऑन एक आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है, कॉल एट, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या, बुलाना, किसी को बुलाना। टू समन फॉर अ स्कोल्डिंग, डांट के लिए बुलाना, पापा उसे डांट मारेंगे। आगे बस हमने हर्टफेट वेलकम नाना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्रिटिसिज्म आपको पता है, क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज को और क्या बोल सकते हो आप, क्रिटिसाउस, क्रिटिसाइज को आप बोल सकते हो, अच्छा वर्ड बता रहा हूँ, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, डी ई एन ओ यू एन सी, डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, बहुत सारे वर्ड्स हैं बट एक अच्छा वर्ड बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है एड फ्यूल टू द फायर, ये तो बहुत आसान है, एड फ्यूल टू दैट फायर का मतलब क्या है, आग में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालना, ये तो आपको पता लग गया कि भाई जो कोई भी मैटर है उसे क्या कर देना, मैटर को, आप मैटर को शांत नहीं कर रहे, आप मैटर को क्या करो, टू मेक अ मैटर वर्स, आपने मैटर को और बेकार बना दिया, बदतर बना दिया, ठीक है। एग्रोवेट का मतलब क्या होता है, एग्रोवेट का मतलब होता है प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स कर देना, और बढ़ा देना, भद से बदतर कर देना, ठीक है, एग्रोवेट प्रॉब्लम, यस हाँ ये सही है, ठीक है, मैटर को और ज्यादा क्या कर देना, वर्स कर देना, टू मेक अ मैटर वर्स, एग्रोवेट करना, मैटर को और बढ़ा देना, ठीक है, जो चीज बेकार है उसे और ज्यादा खराब कर देना, आग में घी डालना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, हैरस करना, नहीं काम डाउन, ये सारे हमने सॉल्व देख लिया। अब है क्या, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब क्या होता है भाई, एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही टाइम पर टू बी इन्वॉल्व, एक ही टाइम पर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहना, यार उसके पास समय नहीं है, बिकॉज ही इज हैविंग क्या, ही इज हैविंग मैनी आयरन, या बोल सकते हो बिकॉज ही हैज मैनी आयरन्स इन द फायर, ठीक है। देखो बोलने में तो हैविंग में आई एनजी भी लगा सकते हो, पर ग्रामर में हैविंग नहीं होता, ठीक है,
जब आप पोजेशन की बात कर रहे हो, क्या क्या होता है, हैव होता है, कभी ग्रामर में बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, टू बी इन्वॉल्व्ड इन मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना एट अ सेम टाइम, एक ही समय पर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना, उसे कहते हैं टू बी इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स एट अ सेम टाइम, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, ठीक है। क्लोज टूगेदर, एक दूसरे को क्लोज होना, नहीं भाई किस कंसोलिडेट करना, सहमति देना एक तरीके से, जो थोड़ा शांत करना, कंसोलिडेट करना, नहीं बुली करना और भड़काना, गुस्सा दिलाना, नहीं भाई क्या करना, डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बस हम एक बार देख लेते हैं क्या है हमारा, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, एग्जैगरेट करना, बात को बढ़ाना, टॉल टॉक कर देना, दो हो गए यहाँ पे, दो इडियम हमने डिस्कस करे। टू बर्न अ होल इन वन्स पॉकेट, क्या क्या हो गया, बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, वेस्ट मनी, ये भी हो गया, स्क्वैंडर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्म एट वंस माउथ, भाई रसगुल्ले देखे शादी में, पानी आ गया मुंह में, बात खत्म, लार आ गई, ठीक है ना। टू कॉल ऑन द कारपेट, ये ध्यान रखना कि बुलाना क्या, डांट मारने के लिए। एड फ्यूल टू द फायर, भड़काना, पता है आपको, टू मैनी, ये आपको पता लग गया। टू गो स्कॉट फ्री, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस फ्री से ध्यान रखो। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। देखो मैं कहानियां बना बना के तो बता दूंगा, बट मैं इतनी भी कहानी नहीं बनाऊंगा जिससे आपकी याद करने की कैपेसिटी कम हो जाए। बस आप देखो, मैं आपको ऑप्शन पकड़ना बता रहा हूँ, क्या, टू गो स्कॉट फ्री, ऐसे लिखा आएगा स्कॉट फ्री, स्कॉटलैंड से कंफ्यूज मत होता ना, जानबूझ के दिया है मैंने, ठीक है। टू गो स्कॉट फ्री, फ्री से याद रखो, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, बाई पनिशमेंट से बच जाना, ठीक है, पनिशमेंट से फ्री हो जाना, ठीक है ना। तो क्या होगा, टू वॉक लाइक अ नेटिव, पड़ोसी की तरह स्कॉटलैंड में, कि वहीं पे रहते हो आप, नहीं भाई नहीं। टू गेट समथिंग फ्री, कोई चीज आपको फ्री मिल जाए, बिल्कुल नहीं, टैक्स बचा लेना, वाह, नहीं नहीं पता है क्या होगा, देखो उसका आंसर होगा टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट से भाग गया, पनिशमेंट से क्या हो गया, फ्री हो गया, टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट से बच गया, वो बच कैसे गया, क्योंकि वो भाग गया वहां से। देखो फ्री फ्रॉम पनिशमेंट क्यों लिखवाया मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि ये भी ऑप्शंस में आता है, तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, दोनों ऑप्शन मिल गए आपको मेरे वीडियो से, बस आपको ये चीज हेल्प होगी, आपको अलग अलग बुकों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं आप पेपर सॉल्व करो ये वो तो करते रहो, बट आपको क्या होगा, जो जो ऑप्शन में आ रखा है वो आपको वैसे ही बता दी, टू एस्केप विदाउट ऑप्शन ये दिखेगा, जैसे एग्जैक्ट मुश्किल पेपर बनेगा तो दिख जाएगा टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, कि भाई पनिशमेंट से बच गया वो, ठीक है ना, भाग गया, बच गया। अब क्या होता है, द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन, यार ये ना एक सेट फोर्थ, एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है, इस सेट फोर्थ का मतलब होता है क्या, सेट फोर्थ का मतलब होता है कोई चीज को एक्सप्लेन करना, या फिर टू गिव ऑल इंफॉर्मेशन, कि किसी चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना। तो कह रहा है द रूल्स ऑफ द डील, भाई डील की जो सारे, जो डील हो रही है उसके जो सारे रूल्स है वो कहाँ पे दिए गए, सारे को इलेबोरेट करा गया, सारे इंफॉर्मेशन दिए कहाँ पे, ब्राउचर में। ब्राउचर क्या होता है, ब्राउचर दिया आपने, किसी ने आपको ब्राउचर पकड़ा है किसी चीज का, तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी इसमें, ठीक है ना। जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हो, सर मुझे SSC की कोशिश लेनी है, DSSB की, वो आपके हाथ में ब्राउचर दे देते हैं, आप उसे देखते हो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना, मंजूरी नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करना, ऑन द अपोजिट ऑफ किसी चीज के अपोजिट होना, विरोध करना, प्रिंट करना नहीं, स्टेटेड का मतलब होता है, स्टेटेड का मतलब होता है सारी जानकारी दी गई है, ठीक है, सारी जानकारी देना, स्टेटेड आपका आंसर हो गया। एग्जैक्ट था सेट फोर्थ इन, याद रख लेना, टू एक्सप्लेन समथिंग, टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन। और एक बार देखो मेरे भाई, नहीं आता आपको पेपर में तो कैसे करोगे, द रूल्स ऑफ द डील आर, ये तो पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी ये तो पेपर का क्वेश्चन है आपका, हाँ, द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्राउजर, ब्राउजर में क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे रूल्स को, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे, तो फिर डील, अगर कॉन्ट्राडिक्शन होनी थी ब्राउजर में तो देगा क्यों ब्राउजर, प्रिंट करा गया नहीं, इंफॉर्मेशन दी गई, इंफॉर्मेशन गिवन था, टू गिव इंफॉर्मेशन, तो स्टेटेड आपका आंसर होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज बता देना, देखो मेहनत तो लगती है, मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, एफर्ट दिख जाएगा आपको, बट आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा मैं। व्हेन इज एनवियस, एनवियस मतलब क्या होता है, जलन होना, ठीक है, व्हेन इज एनवियस। चलो एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैंने आपको प्रिंसिपल और ये वाले प्रिंसिपल में डिफरेंस पूछा था, जिसमें से सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज पूछता हूं, कमेंट करके बताना, एक वर्ड होता है आपका एनवी, ENVY, ईशा, ठीक है, और एक वर्ड आपका क्या होता है, एक वर्ड होता है आपका जेलस, जेलसी, एनवी और जेलसी में आपको मुझे क्या बताना है, अंतर बताना है कमेंट करके, ठीक है।
पहले आप लोग देख लेना क्या होता है, फिर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा अगर आपका कमेंट आया तो। व्हेन इज एनवियस कॉम्पिटिटर एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ही स्मेल्टर इट। देखो भाई पहले क्या होता था, पहले जमाने में बहुत ज्यादा रैट्स होते थे, बहुत ज्यादा चूहे होते थे, तो लोग क्या करते थे, डॉग्स पाल लेते थे, लोग कुत्ते रखते थे, डॉग्स पाल लेते थे कि डॉग की सुनने की शक्ति अच्छी है तो वो सुन लेंगे कि भाई रैट्स कहां पर है, ठीक है। तो जैसे ही कोई डॉग ज्यादा सुनते हुए कहीं जाता था तो लोगों को पता लग जाता था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहीं पे रैट है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ सस्पिशियस है, डिटेक्ट कर लेना। यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया उन लोगों ने, डॉग ने बता दिया है कि भाई यहाँ पे चूहा है या फिर डॉग गया, तो यहाँ पे लोगों को पता लग गया यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ सस्पिशियस है, SUSPICIOUS, यहाँ पे कुछ डाउटफुल चीज है, तो डिटेक्टेड समथिंग इज रॉन्ग, कोई चीज यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज कर लेना आपको। नहीं भाई, कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है, मेहरबान, कोई आप पे मेहरबान हो गया, बिल्कुल नहीं, गुस्सा हो जाना है, बिहेव डायरेक्ट एरोगेंटली, गुस्से से मतलब गुस्से की तरह व्यवहार करना गुस्से में, नहीं भाई, डिटेक्ट समथिंग इज रॉन्ग। कहानी समझ में आ गई होगी, स्मेल है रैट, डॉग रखते थे वो स्मेल कर लेते थे रैट को कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा, और चीजें बताता हूँ आपको कैसे आता है। देखो एग्जाम में आपका ये भी आता है, अंडर अ क्लाउड, ये एक अलग idiom है, अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन, सस्पिशन मतलब होता है डाउट, SUSPICION, अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन मतलब क्या बोल रहा है वो, शक के क्लाउड बने हुए हैं, ये इंसान है एक, इसके ऊपर क्या है, शक के क्लाउड बने हुए हैं, तो वो क्या है, शक के दायरे में होना, अंडर अ डाउट, ठीक है, शक के दायरे में होना, अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन, ये भी ध्यान रखना भाई, जितना हो क्या हो पाएगा मैं यही बता दूंगा आपको, ठीक है। टू रिप ओल्ड सोर्स मतलब पहले के कुछ विवाद झगड़े, सोर्स पहले के, ओल्ड मतलब पहले के, ठीक है ना, सोर्स विवाद या झगड़े, तो टू रिप अप ओल्ड सोर्स मतलब पुराने जो झगड़े हैं आपके, पुराने मतलब कहते हैं ना वो गले मुद्दे उखाड़ना, ठीक है, पुराने के पुराने मुद्दे आप उखाड़ रहे हो, जो बात बीत गई आप उसे उठा उठा के उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हो, ठीक है, पुराने मुद्दे उखाड़ रहे हो तो क्या होगा, झगड़ा होगा, वापस से आप क्या कर रहे हो, टू रीओपन अ क्वारल, पुराने मुद्दे उखाड़ना, ठीक है, जो भी है गले मुद्दे उखाड़ना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, नहीं, टू एक्ट क्रूली, नहीं, टू इन्फ्लिक्ट पेन, किसी को पेन देना, नहीं भाई, पुराने मुद्दे क्या है आप उखाड़ रहे हो, ठीक है, पुरानी बातों को लेके बैठ रहे हो तो झगड़ा ही होगा फिर तो, ठीक है ना, पुरानी बातों पर बात करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टू शो द व्हाइट फेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट फेदर, तो क्या होता है व्हाइट फेदर, किसकी निशानी होती है, कायरता की, कॉवर्डाइस, कायरता की निशानी होती है, सीधा आंसर चला गया, टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डाइस, कायरता के साइन दिखा देना, टू शो व्हाइट फेदर, जैसी लोग आए आपके पास उन्होंने थोड़ा डराया आपने व्हाइट फेदर दिखा दिया, तो टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डाइस, कायरता की निशानी, ठीक है। चलो और क्या, फॉर और अगेंस्ट समथिंग, नहीं, टू गिव टू, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, अरे वाह वाह, देखो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, इसका एक idiom बताता हूं आपको, इसे बोलते हैं हम ब्रेक द आइस। कहीं आप कई लोगों के बीच में बैठे हो, ये लोग हैं बहुत सारे, आप बीच में बैठे हो, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ, तो साइलेंस हो रखा है, आपने क्या करा, टू ब्रेक साइलेंस, आपने क्या किया, टू ब्रेक द आइस, जैसे आपने आइस को ब्रेक किया तो आपने चुप्पी तोड़ी, चुप्पी तोड़ना मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, टू डिस्ट्रॉय या टू डिस्ट्रॉय साइलेंस, ठीक है, साइलेंस तोड़ना ऐसे आ सकता है पेपर में, यह आएगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बहुत बढ़िया। चलो ये भी आपका हो गया इसी में, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अरे अरे देखो डिस्कॉर्ड, ये मैंने अभी आपको वर्ड कराया था अपनी जस्ट पिछली वीडियो में, पहला ही वर्ड कराया था, वर्ड था डिसोनेंस, DISSONANCE, डिसोनेंस का मतलब क्या था, डिसोनेंस का मतलब होता डिसएग्रीमेंट, और मैंने यही वर्ड आपको बताया था, डिसोनेंस का सिनोनियम होता डिस्कॉर्ड, तो जिस बच्चे को ये बात दिखी थी मतलब ये पता लगा, तो वो तो जिसको ये याद था वो तो पता लगा लेगा, ठीक है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो क्या है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कॉज क्या है भाई, झगड़े का कारण क्या है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या, कॉज ऑफ क्वारल क्या, फ्रूटफुल सॉल्यूशन नहीं, वन डे अर्निंग मतलब कुछ भी, एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, तो क्या हो गया,
एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया मैटर ऑफ डिस्प्यूट, क्या था भाई, झगड़े का कारण क्या था। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। टू बी एट अ डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, डैगर, देखो डैगर आपका एक इक्विपमेंट होता है, ऐसा नाइफ जैसा, नाइफ को डैगर बोलते हैं, ऐसा ले लो, थोड़ा सा शार्प होता है वो। तो जब आप क्या करोगे, आपने डैगर को ड्रॉ करा, मतलब आपने डैगर को अपनी जेब से बाहर निकाला, ड्रॉ करने का मतलब है दिखाया। ठीक है, डैगर्स ड्रॉ, जैसे आपने, आप किसको चक्कू दिखाओगे, आप किसी चक्कू नहीं होता है, एकदम थोड़ा शार्प होता है, आप किसको डैगर दिखाओगे, अपने दुश्मन को दिखाओगे ना, जिससे आपकी दुश्मनी होगी। ठीक है, तो क्या है, टू हार्म अनफेयरली, नहीं भाई अनफेयरली क्यों, दुश्मनी तो बिल्कुल वैसे होती है कि पता होता है, फेयर दुश्मनी है। ठीक है, टू बी बिटर एनिमी, ठीक है, किसी से क्या होना, कट्टर दुश्मनी होना। टू हैव, मैं एग्जैक्ट बताता हूं आपको, टू हैव बिटर एनमिटी, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं स्पेलिंग से आपको, टू हैव बिटर, बी आई डबल टी ई आर, बिटर एनमिटी, ई एन एम आई टी वाई, एनमिटी का मतलब होता है क्या, ई एन एम आई टी वाई, एनमिटी का मतलब होता है मेरे भाई हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का क्या मतलब होता है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एनमिटी मतलब दुश्मनी, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, किसी से कट्टर दुश्मनी होना, टू बी बिटर एनिमी। ठीक है, आगे बस हमने, तो कट्टर दुश्मनी होना उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टू बी डैगर ड्रॉन। अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा ना, डैगर मैंने बता दिया, डैगर को ड्रॉ किया, डैगर बाहर निकालोगे तो किसको निकालोगे, जिससे आप प्यार करते हो, नहीं जो आपका दुश्मन होगा, तो उसी के लिए डैगर निकालोगे। आगे बस हमने, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज, नहीं, बाय लिप्स एंड बाउंस, बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब दिन दुनी और रात चौगनी, मतलब एकदम से क्या होना, एकदम से तरक्की करना एट अ रैपिड पेस। ठीक है ना, रैपिडली आंसर हो गया, वेरी रिच, नहीं नहीं रैपिडली आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टॉल टॉक, देखा देखा नहीं लग रहा है, टॉल टॉक, टॉल टॉक तो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, टॉल टॉक का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी हाँकना, लंबी चौड़ा हाँकना, बड़ी मतलब कि कोई छोटा सा मैटर हो उसे बढ़ा देना, लंबा चौड़ा कर देना उसे। लास्ट क्रिएशन, नहीं अनप्रॉफिटेबल, नहीं कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ वो भी होता है, एवरेज एवरेज, नहीं नहीं भाई ये सब कुछ नहीं, एग्जैगरेट करना, एग्जैगरेट द मैटर, मैटर को और ज्यादा क्या करना, एग्जैगरेट मतलब क्या करना, बड़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैगरेट समथिंग, बड़ा चढ़ा के बताना। आ गया, नेक्स्ट देखो, कर्टेन लेक्चर मेरा फेवरेट था किसी टाइम पे, ये मैं हमेशा बच्चों को जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बताता था। कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या होता है, कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है, देखो मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, पति पत्नी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो घर में कुछ मेहमान आते हैं, मेहमान आ गए घर में, जैसे घर में मेहमान आ गए तो पति क्या होते हैं, कभी कभी पति ना ऐसी कोई बात कर देते हैं तो मेहमान के आगे नहीं करनी होती, तो क्या होगा, पत्नी तुरंत पति को बुलाती है, क्या हो? मैंने क्या बताया, पति पत्नी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, मैं मतलब समझा रहा हूँ बस। तो वहां पर क्या हो गया, मेहमान आके बैठे हुए हैं तो पति ने ऐसी कोई बात कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी वहां पर, तो क्या होगा, चुपचाप पत्नी बड़े प्यार से उनको बुलाती है, अंदर बुलाएंगे किचन के, एग्जांपल ले लो, और चुपचाप पर्दा लगाएगी, क्या लगाएगी, कर्टेन लगाएगी। जैसी वो कर्टेन लगाएगी, कर्टेन लगाते ही प्यार मोहब्बत नहीं करेगी वो, कर्टेन लगाते ही क्या करेगी, वो सीधा एक लेक्चर देगी। तो कर्टेन लगाया, कर्टेन पर्दा लगाया, पर्दा लगा के लेक्चर देगी, क्या लेक्चर देगी, मतलब डांट मारेगी। ठीक है, तो पत्नी की पति को दी हुई डांट, अ रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड इज कॉल्ड कर्टेन लेक्चर। मेरे हिसाब से तो जो भी हस्बैंड वाइफ है तो हमेशा सर सारे हस्बैंड को कर्टेन लेक्चर तो मिला ही होगा। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, अच्छा था, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्राइवेट, प्राइवेट में मतलब पर्दा लगाकर दी हुई डांट, प्राइवेट में दी हुई डांट, प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वंस वाइफ टू हर हस्बैंड, प्राइवेट में पर्दा लगाकर प्राइवेट में दी हुई डांट पत्नी के द्वारा किसको, पति को, उसे कहते हैं कर्टेन लेक्चर। आ गया भाई समझ में, अगर अच्छा लगा हो यार मेरी वीडियोस तो प्लीज बताना कमेंट में, ठीक है, तो मैं और अच्छे से एफर्ट डालूंगा। चलिए आगे देखते हैं, किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो का मतलब क्या होता है, किक्ड अप अ रो, किक्ड अप का रो का होता है, देखो ही किक्ड अप अ रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू अमेज़न। आपने टिकट ले रखी है,
ऑनलाइन टिकट लिया, आप एम्यूजमेंट पार्क गए, कहीं भी घूमने के लिए गए, ठीक है, आपको वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, अब आपके पास टिकट भी ऑलरेडी, आप लेट हो तो क्या होगा, वहां पे आप हंगामा खड़ा कर दोगे, ठीक है, आप क्या कर दोगे, आप क्रिएट अ रकस, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, क्रिएट अ रकस, आप क्या करोगे, हंगामा खड़ा कर दोगे, RUCS, तो हंगामा खड़ा करना, किक्ड अप अ रो, तो क्या हो जाता है, क्रिएट अ रकस, ये भी एक idiom है, ठीक है, RUCUS, ये भी, और यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, क्राइड विद सोरो, नहीं भाई दुख में नहीं रोना, ठीक है, वेटेड इन क्यों, नहीं जब भारी निकाल दिया वेट, अगर किक्ड द गार्ड, गार्ड को लात मार दी, नहीं नहीं हम तो शरीफ लोग हैं, तो क्या है, क्रिएटेड अ फस, हम शरीफ लोग ऐसे, पहले हम हंगामा करेंगे, हमारे हंगामे से ही काम हो जाएगा, तो किक्ड अप अ रो, क्रिएटेड अ रकस, क्रिएटेड अ फस, ये आपके आंसर हो गए। पुल समवन स्लैक, देखो यार जब दोस्त यार बैठते हैं ना, दोस्त यार बैठते हैं तो दोस्त यार आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, टांग खींचना मतलब क्या करना, आपस में मस्ती मजाक करना, ठीक है, टू जोक विद समवन, क्लियर हो गई बात है, तो देखो भाई चीजें देखते हैं एक बार अच्छे से देखेंगे, खत्म हो गया, ठीक है, देखो एक बार रिवीजन करा देता हूं, क्या था, सिंपल से बता देता हूं, बाकी आप लोग पढ़ना अच्छे से देखो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, एग्जैगरेट करना, टॉल टॉक करना, टॉल टॉक क्या करना, लंबी चौड़ी बातें करना, बड़ा चढ़ा, किसी छोटी चीज को बड़ा चढ़ा देना, एग्जैगरेट करना, टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, कि भाई आपकी पॉकेट में बहुत सारे पैसे होल है तो क्या होगा, पैसे खर्च हो गए, मतलब पैसे गिर गए, टू स्क्वैंडर कर देना, एक्स्ट्रा वेगेंट बताया मैंने, एक और इडियम बताया, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, ये भी ध्यान रखना, कैंडल है तो यहाँ पे जला दी गई कैंडल तो फिर जल्दी खर्च हो जाएगी, एक्स्ट्रा एंड फिजूल खर्ची, ठीक है ना, टू फॉर्म एट वंस माउथ, मतलब क्या करना, शादी में रसगुल्ला देख के क्या हो गया, मुंह में पानी आ गया, टू कॉल ऑन द कारपेट, आपने मतलब फादर ने बच्चे को बुलाया कारपेट पे आओ तो मतलब अब तो डांट पड़ेगी, ठीक है ना, टू समन फॉर स्कोल्डिंग, डांट करना, डिनाउंस का मतलब बता दिया था मैंने, क्रिटिसाइज होना, एड फ्यूल टू द फायर, मतलब किसी मैटर को क्या करना, मैटर को वर्स कर देना, ठीक है, एग्रोवेट करना, एक साथ बहुत सारे कामों में होना, एक ही टाइम पर डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, खत्म, टू गो स्कॉट फ्री, फ्री से पकड़ लो, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, सेट फॉर थिन, मतलब सारी जानकारी देना, टू एक्सप्लेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, टू गिव इन्फॉर्मेशन स्टेटेड, ही स्मेल अ रैट, ठीक है, जैसे इसने देखा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, डॉग ने पहचान लिया, टू रिपोर्ट उसको, गधे जो भी था आपका, गले मुद्दे उखाड़ना, ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू शो द वाइट फेदर, मतलब वाइट फेदर का मतलब क्या है, कायरता, तो हो गया टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डाइज, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बता दिया मैंने आपको, डिसएग्रीमेंट झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है भाई, मैटर ऑफ झगड़ा क्या रहा, ठीक है, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी होना, डैगर का मतलब बता दिया भाई, लिप्स एंड बाउंस, रैपिड टॉल टॉक, ठीक है, कर्टेन लेक्चर पता ही है, पहले क्या होगा, पहले कर्टेन लगेगा फिर अंदर बुला के लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है ना, स्कोल्डिंग दी जाएगी, किक्ड अप अ रो, क्रिएटेड अ रकस, ठीक है, क्रिएटेड अ फस, ठीक है ना, हंगामा खड़ा करना, पुल समवंस लाइक, तो ये हमारी वीडियो थी, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, बताना तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, चलो ये हमारी वीडियो यहां तक थी, अब मैं जाते जाते आपको एक रूट वर्ड करा के जा रहा हूँ, वो क्या आपका, बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं यार, हर जगह मिल जाएंगे आपको, बट मैं आपको कुछ करा रहा हूँ जो कि मेरे को लगता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कम टाइम बचा, तो एक रूट वर्ड ध्यान रखो, एक रूट वर्ड होता है एमोर, एमोर, और एक रूट वर्ड होता है एमी, दोनों का मतलब होता है क्या, दोनों का मतलब होता है लव, ठीक है, एमोर और एमी, एमोर एमी का मतलब होता है लव, एमोर और एमी से ध्यान रख लेना, क्या, फ्रेंडली, बस ये वर्ड ध्यान रखो, फ्रेंडली भाई, लव जहां पर होगा, आप दो बंदे हैं इनके बीच में प्यार है तो दोस्त है ना, फिर ये लव है, मतलब फ्रेंडली नेचर तो होगा ही इनका, फ्रेंडली बिहेव करेंगे, तो एमोर और एमी से आपको क्या ध्यान रखना, एमोर, AMOR, AMI, एमोर और एमी से आपको ध्यान रखना है लव, फ्रेंडली, बस ये चीज ध्यान रखो आप, लवेबल, बस ये, अब मैं ये नहीं बता रहा क्या नाउन है क्या वो, ऐसा कुछ नहीं, आप देखो रूट वर्ड है, रूट मतलब जड़ को पकड़ेंगे हम, तो देखो अब देखो कैसे मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं, कोई ज्यादा कोई बुक नहीं डिस्कस करूंगा, देखो पहला वर्ड आपका बना एमिएबल, जैसे वर्ड देखा आपने एमिएबल, सीधा एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, दोस्ताना, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, लवेबल हो,
एग्जैक्ट मीनिंग एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर, ठीक है, एमिएबल, एम आई लवेबल, ठीक है, फ्रेंडली नेचर, एमिएबल। जैसे आपने एमी देखा, ए एम आई एम ए, रूट वर्ड ये रहा ए एम आई एम ई, आप क्या करोगे, आपको पता चल गया भाई फ्रेंडली की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है बात। फिर दूसरा वर्ड क्या बनता है, दूसरा वर्ड बनता है आपका एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है क्या, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। अब आपको कुछ याद नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे, मैं आपको बता दूंगा क्या पार्ट ऑफ स्पीच होती है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। एमिकेबल, जैसे आपने वर्ड देखा एमी, एमी से मैंने आपको बता था कि सर ने बताया एमोर और एमी का मतलब क्या होता है, लव, और या फिर एक एग्जैक्ट मतलब जान रखूंगा फ्रेंडली, तो भाई हो गया फ्रेंडली, आपको ऑप्शन में आया फ्रेंडलीनेस, आपने टिक कर दिया। तो क्या क्या वर्ड हो गए आपके, एमिएबल पहला वर्ड हो गया, दूसरा हो गया एमिकेबल, तीसरा वर्ड भी देख लेता हूँ। तीसरा वर्ड है, मैंने बोला जो एग्जाम में आया ना वो ही बता रहा हूँ उसमें आपको, और कोई फालतू चीज नहीं। इनाम, इनामर्ड भी बोलते हैं इसे, इनाम्ड, इनामर्ड, ठीक है। जैसे आमर्ड आया, मैंने देखा ए एम ओ आर, मैंने देखा यार ये तो लग रहा है ए एम ओ आर, यही तो आ रहा है, अमर, इनामर्ड। इनामर्ड का मतलब क्या होता है, इनामर्ड का मतलब होता है प्यार की आग, इनफ्लेम्ड विद लव। मतलब देखो रूट वर्ड से आप एग्जैक्ट मीनिंग शायद ना पकड़ पाओ, बट आप पेपर में तो कर लोगे, आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या, पास आ जाओगे आप, ठीक है। तो रूट वर्ड हमारे हेल्प करते हैं, तो बहुत ज्यादा रूट वर्ड होते हैं, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, हो गया। चौथा वर्ड बस, चलो तीन एक, चलो एक चौथा भी कर लो। एक वर्ड होता है amorphous, amorphous का मतलब होता है shapeless, नहीं एक वर्ड होता है amorous, ठीक है, a m o r o u s, amorous का मतलब क्या होता है, ये फिर आ गया amor, आपको पता चल गया लव, तो इसका मतलब होता है लव, प्यार का रस, प्यार का रस, amorous प्यार का रस, amorous, amor मतलब लव, मतलब प्यार, प्यार रस लिखा है, o u s रस, यहाँ पे r o u s रस बन रहा है, तो प्यार का रस, तो मतलब क्या होता है, रोमांटिक लव, रोमांटिक लव। यार बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, समझाने और समझने का अलग तरीका होता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से दोबारा बता देता हूं क्या करवाया। देखो मैंने बोला एमर और क्या आपका एमी, कहीं पे लगाओ तो क्या देखना, लव या ये रूट वर्ड जो इनका मतलब क्या है, फ्रेंडली। बस यार पास पास मैंने एग्जैक्ट बता दिया, तो आपका पहला वर्ड क्या हो गया एमिएबल, दूसरा वर्ड क्या हो गया आपका, दूसरा वर्ड हो गया एमिकेबल, तीसरा वर्ड क्या हो गया आपका, तीसरा वर्ड हो गया एमरस, चौथा वर्ड हो गया आपका क्या, चौथा वर्ड हो गया आपका इनामर्ड। और भी होते हैं, मैं और नहीं करा रहा आपको, इनामर्ड। जैसे आपने देखा ए एम आई, आपने देखा है सर विनय सर ने तो बोला था फ्रेंडली होगा, खत्म। आपने देखा एमी, इसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, फिर खत्म। ऑप्शन में यही गिवन होगा, आपने देखा एमरस प्यार का लव, मतलब प्यार का रस, एमर से ये भी दिख गया आपको एमर, फिर आपने देखा इनामर्ड, ये भी दिख गया आपको, आसान था। अब इसके एग्जैक्ट मतलब भी बता देता हूँ, एमिएबल का मतलब होता है क्या, फ्रेंडली इन नेचर, कोई जो बहुत ज्यादा दोस्ताना हो, फ्रेंडली एंड लवेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, एमिकेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस। एमरस, एमरस प्यार का रस, रोमांटिक लव, ठीक है। ओ यू एस लगता है, जिस वर्ड के पीछे ओ यू एस लगा हो तो वो क्या हो जाते हैं आपके, एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इन आमर्ड, आमर का मतलब क्या होता है, इन आमर्ड का मतलब होता है प्यार की आग, इन आमर्ड, आमर का मतलब ही लव, तो क्या हो गया इनफ्लेम्ड, इनफ्लेम्ड विद लव। और मेरे भाई ये भी ध्यान रखना कि एक इनफ्लेम्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है विद, पेपर में स्कोर करना है तो ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा लगा हो तो प्लीज बताना, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला, जाते जाते मैंने सोचा आपको एक रूट वर्ड भी करा देता हूं, मेरे दिमाग में आ गया। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, चलिए।